दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये चीज गौर करी है कि जितनी भी सेडान कार्स आती है इंडिया में या जितनी भी कार्स आती हैं उनकी कभी भी आपको बैक साइड में रियर वाइपर देखने में मिला? चाहे आप बात कर लो अमेज की, वरना की, सिटी की, किसी की महंगी से महंगी गाड़ी उठा के देख लो आप, सेडान गाड़ी किसी में भी आपको रियर वाइपर नहीं देखने में मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई रियर वाइपर जैसी चीज जो कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, तो वो इतनी एक्सपेंसिव कार्स बीएमडब्ल्यू जैसी एंड या फिर इतनी सस्ती गाड़ी अमेज वगैरह इनमें क्यों नहीं आता? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करने वाले इन डेप्थ कि सेडान कार्स में वाइपर ना होने का मेन रीजन क्या है एंड हैचबैक्स वगैरह में या फिर एसयूवीज वगैरह में रियर वाइपर क्यों आता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को ऑल अबाउट कार्स चैनल में। मेरा नाम है हर्षित एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे मेन कारण अगर बात करें कि हैचबैक और एसयूवीज में क्यों वाइपर मिलता है, सेडान्स में वाइपर क्यों नहीं मिलता, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है एरोडायनामिक्स। सेडान कार को ध्यान से देखोगे तो सेडान कार्स की जो पीछे की जो विंडशील्ड होती है वो आपकी रूफ टॉप से स्लांटिंग पोजीशन में होती है एंड वो जाके जो पीछे का आपका जो बूट होता है उससे जाके मिल जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो गाड़ी की एरोडायनामिक्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है, जब भी आपकी गाड़ी बहुत हाई स्पीड पे चलती है तो उस वजह से एरोडायनामिक्स अच्छी होने की वजह से जो भी धूल डस्ट आपके टायर्स वगैरह से उड़ के पीछे वाले शीशे पे लग सकती थी वो एरोडायनामिक्स की वजह से शीशे पे नहीं लगती है एंड उस वजह से सेडान्स में आपके रियर वाइपर की जरूरत नहीं होती है। एंड अगर हम वही बात करें हैचबैक्स के एसयूवी के, तो आपने उसमें जनरली देखा होगा कि उसमें जो पीछे का जो शीशा होता है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे लगा हुआ होता है, बिल्कुल खड़ा हुआ होता है एंड साथ ही साथ जो उसके पीछे का जो बूट होता है वो बिल्कुल शीशे से मिला हुआ होता है, जिस वजह से आपका एयर डायनामिक्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इस वजह से जो भी धूल डस्ट टायर से उड़ती है वो आपके शीशे पे जाके चिपक जाती है। तो उस वजह से दोस्तों क्या होता है, मेनली ये रीजन है कि एयर डायनामिक्स बेहतरीन होने की वजह से सेडान कार्स में आपका शीशे पे कोई धूल डस्ट नहीं आएगी, आपकी कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी देखने में, तो उस वजह से आपको शीशे पे कोई भी वाइपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर बात करें हैचबैक की और एसयूवी की, क्योंकि एयर डायनामिक्स इतने बेहतरीन नहीं होते हैं एंड साथ ही साथ जो आपके पीछे का शीशा होता है वो आपके बूट से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होता है, जिस वजह से एयर डायनामिक्स एयर जो है वहां पर आपका पूरी तरीके से जो धूल उड़ा देती सेडान में वो वहां पर नहीं कर पाती, तो उस वजह से आपको वाइपर की जरूरत पड़ती है एक हैचबैक और एक एसयूवी में। दूसरा दोस्तों रीजन जो निकल कर आता है सेडान कार्स में शीशे पे कोई भी वाइपर ना होने का, कि जो एक काइंड ऑफ उसकी जो खूबसूरती है गाड़ी की वो भी काफी ज्यादा हिंडर होती है। अगर आप वाइपर लगा दोगे तो पहले कोई सी एक गाड़ी में वाइपर आ भी जाता था तो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से ये भी एक रीजन है एंड साथ ही साथ एरोडायनामिक्स पुअर भी हो जाएगी अगर आप वाइपर लगा देंगे, ये भी एक रीजन है जिस वजह से आपकी जो सेडान कार्स है उसमें वाइपर नहीं आता। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो आप सभी को बताने के लिए कि क्यों हमारे सेडान कार्स में वाइपर्स नहीं आते। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन दोस्तों, मी आरसी साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ड्राइव सेफ।